हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप देख रहे हैं एंडलेस फुटस्टेप्स। और बहुत बहुत दिनों बाद जो है आज हम संडे को निकल कर आए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी तो बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स नहीं थे, बट आज हम आ गए हैं मोरनी हिल्स जो कि पंचकुला में ही है। और दिखाते हैं आपको कि मोरनी हिल्स कैसा दिखता है और जो तिक्कर ताल है वो वहाँ का व्यू दिखाते हैं। और चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं और शुरू से दिखाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे हम पहुँचते हैं। और क्योंकि बारिश हुई है तो ग्रीनरी काफ़ी है रास्ते में और बहुत खूबसूरत ब्यूटी है, तो अगर आप कभी भी नियर बाय हो तो आप प्लान कर सकते हो तिक्कर ताल मोरनी हिल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को और मिलते हैं जल्दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आपको तो पता चल गया होगा कि आज हम जा रहे हैं मोरनी हिल्स और आज का जो दिन है वो है संडे। और मोस्टली जो हमें टाइम मिलता है घूमने का वो संडे ही मिलता है एक्सप्लोर करने का नियर बाई प्लेसेस। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कहीं पे भी रहते हो, चंडीगढ़, पंचकुला या फिर आप जीरकपुर में हो, आप बहुत ही इजीली जा सकते हो। अपने फोर व्हीलर, टू व्हीलर किसी से भी आप जा सकते हो मोरनी हिल्स, और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे हम डायरेक्शन थोड़ा सा भूल गए थे क्योंकि हम 3 साल बाद जा रहे थे यहाँ पे और कन्फ्यूज़ हो गए थे रास्ते में। तो आगे चलते हैं और देख रहे हैं आप, पहाड़ियों की स्टार्टिंग जो है यहाँ से ही स्टार्ट हो गई है। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। ये है जर्नी जो हमने स्टार्ट करी थी, हमने दोपहर में करी थी और ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना कि चलते हैं मोरनी हिल्स। यहाँ पे आपको साइड में देख रहा होगा, राइट हैंड साइड में गोल्डन ट्यूलिप, तो हमेशा आपको यहाँ से ही टर्न लेना है, मैं आपको बता देती हूँ, और मोरनी हिल्स जाने के लिए। और ये जो पूरा रास्ता है ना, ये पूरा जंगल से भरा हुआ रास्ता है। और अभी मॉनसून सीज़न है, बारिश हुई है और अभी काफ़ी बादल भी हैं, अच्छा सा मौसम है, बहुत प्यारा सा है। और बारिश की वजह से काफ़ी ग्रीनरी हो गई रास्ते में, तो इस वजह से ना मतलब ये जो पूरा रास्ता है ना, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इसमें कवर कराऊँ क्योंकि डेस्टिनेशन तो होता ही है अच्छा, बट उससे पहले जो ये जो रास्ते होते हैं ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही सुंदर रास्ता है और डेस्टिनेशन से सुंदर रास्ते होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं रास्तों को कवर करूं और आपको दिखाऊं कि अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो इस रूट पे जाने का तो आपको क्या कैसा जो है रास्ते मिलेंगे। और इस वाली लोकेशन पर ना काफ़ी बंदर हैं, बहुत सारे बंदर आपको साइड साइड में बैठे हुए दिख जाएंगे। और यहाँ से ये प्रॉपर जो है स्टार्ट हो जाता है पंचकुला, लाइक मोरनी हिल्स के लिए। ये पंचकुला का आउटस्कर्ट्स है तो जो है, और काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, बहुत प्यारी सी लोकेशन है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे काफ़ी बंदर हैं तो उनसे सावधान रहें, और ये जंगली बंदर हैं तो अगर आप कभी भी जा रहे हो और आपको बंदर दिखे तो प्लीज़ प्लीज़ उनको फीड ना करो, आप कुछ भी मत दो, केले, कोई भी फ्रूट्स कुछ भी मत दो खाने के लिए, क्योंकि वो जंगली बंदर है तो उन्हें नहीं मालूम है कि ऐसे भी है। फिर उनकी अगर वो आदत पड़ जाएगी तो फिर वो जो कम्यूटर्स हैं ना, उनको प्रॉब्लम करेंगे रास्ते में, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमें आते ही मिला था मॉनिटर लिजर्ड जो कि बाइक की आवाज़ से जल्दी से ही झाड़ी में चला गया। और ये रास्ते आप देख सकते हो, मतलब शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही ठंड है, मतलब ठंड हो गई थी क्योंकि अगर आप सिटी में हो तो पॉल्यूशन और फिर व्हीकल्स की वजह से जो है मौसम गर्म रहता है, बट जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर करा और इतनी ठंडी हुई थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से, ये मॉनिटर लिजर्ड जो रोड क्रॉस कर रहा था तो वो हमें मिली रास्ते में। वैसे इस रूट पे काफ़ी जानवर जो है वो एनिमल्स पाए जाते हैं, जगह जगह पे काफ़ी बोर्ड लगा हुआ है, बार्किंग डियर हो गया, डियर हो गया, सांबर हो गया, लेपर्ड भी, लेपर्ड का भी बोर्ड लगा हुआ है कि लेपर्ड का मूवमेंट भी इस एरिया में है। तो अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो इस रोड पे तो कोशिश करना दिन दिन का ट्रैवल करना, रात में या लेट इवनिंग में अवॉइड करना। और अगर आप गाड़ी से हो तो बहुत तेज मत चलाना इस रोड पे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ब्लाइंड टर्न्स भी हैं इस रूट पे। और ये प्यारा सा गांव पड़ता है मांदना, और इसकी स्टोरी मुझे जब हम यहाँ पे पहुँचे तो मुझे याद आया कि 3 साल पहले भी हम
मोरनी हिल्स गए थे और हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि हम मोरनी हिल्स पहुँचे, वहाँ से सब कुछ घूमा हुआ और जब हम वापस आ रहे थे तो मांदना से पहले ही जो है हमारी बाइक ख़राब हो जाती है और आप हिली एरिया को पूरा देख रहे हो कैसा हिली एरिया है पूरा। और आपको पता है अगर बाइक और वो भी बुलेट अगर ख़राब हो गई तो कैसे उसको जो है हम नीचे ले जाएंगे। और यहाँ पे हमने रोका था अपनी बाइक थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमें ऊपर जो है वो बैठा हुआ ईगल दिखा तो हम उसे क्लिक कर रहे थे और शायद क्योंकि लाइट नहीं थी तो क्लियरली हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ईगल है, बजार्ड है या फिर शिकरा है, एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत ही बड़ा पक्षी था। और मैं उसको भी दिखाऊंगी कि हमने एग्जैक्टली क्या देखा था। और यहाँ पर रुककर हम उसको बहुत सारी क्लिक फ़ोटोज़ क्लिक करी है जिसमें से जब हम मतलब वहाँ पे हमने क्लिक करी बट ये फ़ोटो थी। और जब हमने आकर इसको सर्च किया तो ये हमें गूगल पे दिखा रहा था कि ये है बजार्ड, ओरिएंटल बजार्ड। बट अगर आपको पता हो कि एग्जैक्टली ये ओरिएंटल बजार्ड है या कोई और ईगल है तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये रास्ते देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने पिक्चर क्लिक कराई थी तो मैं आपको बता रही थी कि स्टोरी एक्चुअली हुआ क्या था। तो इस रूट कितना ही प्यारा, बहुत ही प्यारी व्यू मतलब है ये लोकेशन ना, और काफ़ी रश नहीं होता है मॉनसून के टाइम पे। अगर आप कभी भी नियर बाई हो चंडीगढ़ के आसपास तो ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है जहां आप जा सकते हो। और ये देख सकते हो टिक्कर ताल जो है वो देखने लगा है। तो मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ था, फिर से मैं भूल गई कि वहाँ पे कंटिन्यू करना। तो हमारी बाइक ख़राब हो गई थी तो हमने अपनी बाइक जो है वो काफ़ी कम से कम हम 500 मीटर और 1 किलोमीटर अप्रॉक्स 800 मीटर जो है हम बाइक को घसीटते हुए जो है वो लेकर आए थे। और फिर हमने मांदना गांव में अपनी बाइक रखी थी और शाम हो गई थी और हमें बहुत डर भी लग रहा था। उस टाइम पर इतना डेवलपमेंट भी नहीं था क्योंकि अब तो काफ़ी होटल्स गेस्ट हाउस बन चुके हैं रास्ते में, अगर आप कहीं भी रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। और फिर उसके बाद हमें लकीली दो लोग मिले थे, दो कपल्स मिले थे बाइक से जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। तो उसके बाद से मेरा बहुत डर रहता था कि नहीं नहीं मोरनी नहीं जाना है, मोरनी नहीं जाना है। बट इस बार हमने फिर से सोचा कि हाँ मोरनी जाएंगे। और मोरनी एक गांव पड़ता है बट ये जो हम बेसिकली जा रहे थे ये है टिक्कर ताल। मोरनी हिल्स पे ही टिक्कर ताल है, दो ताल हैं यहाँ पे और एक जो हम आए हैं वो है टिक्कर ताल। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, पिकनिक स्पॉट है। अगर आप फैमिली के साथ हो, नियर बाई हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप शिमला घूमने भी आते हो ना और अगर आपके पास एक दो दिन का टाइम है, आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कैब बुक करके आ सकते हो। बट अगेन वही कि आप आ सकते हो, आना चाहो अगर आपको आना है। बट ये बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ना कुछ झूले वूले भी हैं बच्चों के खेलने के लिए। और ये पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ जो है, चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में ये ताल है और सामने ये पूरा लॉन है। अगर आपका फ्रेंड ग्रुप सर्कल है आप आ सकते हो, मस्त यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है सामने। और हम जो है अप्रॉक्स 3:30 बजे जो है 3:15 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे और हमने केवल ब्रेकफास्ट किया था। तो अभी जो है ना हम जाएंगे यहाँ पे कैफेटेरिया में। और यहाँ फाइनली जो है हम यहाँ पे पहुँच गए और हमने जो ये अपने घर से जो स्टार्ट की थी जर्नी वो हमने स्टार्ट करी थी अराउंड 1 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है वो अप्रॉक्स 3:15-3:30 हो रहा है और हम रुकते हुए भी आए काफ़ी। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको जो है मिल सकता है लाइक आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिल सकता है, रिसेप्शन भी है, यहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा है। और इसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है और सीनरीज़ रास्ते में बहुत सारी सीनरीज़ है तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद अभी नीचे हम थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट जो है वो चाय कॉफ़ी पिएंगे और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे नीचे। और जब नीचे जाएंगे तो फिर आपको पास से दिखाएंगे कि कैसा दिखता है वो टिक्कर ताल। ये इनका मेन्यू है, टी कॉफ़ी। कोई
हमने रिफ्रेशमेंट ख़त्म कर लिया है और उसके बाद जो है फिर से लेकर चलते हैं आपको दिक्कत ताल के पास, क्योंकि यहाँ पे यही एक लोकेशन है और सामने से सनसेट होता है और मतलब दोपहर का टाइम है तो सामने सूरज है, तो अभी तो काफ़ी बादल हैं लेकिन तब भी बहुत ही ग्रीनरी होती है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी बारिश हुई है तो ताल में पानी भी है। और चलिए सिखाते हैं सामने, और ऐसा सच कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आप अगर पिकनिक के पर्पज़ से आना चाहते हो, पिकनिक मनाने, तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है और काफ़ी फैमिलीज आती हैं यहाँ पे। बट आपको दिखाने के लिए मेरे पास ये सामने की ब्यूटी है, चलिए थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको, एक्सप्लोर कराते हैं और फिर उसके बाद वापस चलेंगे। यहाँ पे ना बोटिंग भी होती है, अगर आपको बोटिंग का शौक है या फिर आपको बोटिंग करने का मन है तो वो भी कर सकते हो। एग्जैक्टली मुझे प्राइस नहीं पता बट बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, जितना सब जगह होता है मोर और लेस उतना ही होगा, और काफ़ी जगह है। और सामने वाली पहाड़ी पे अगर आपको दिख रहा होगा तो काफ़ी काले बादल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बारिश होने वाली है, और हम बाइक से गए हुए हैं तो हमें एक थोड़ी सी टेंशन ये हो गई थी कि कहीं हम भीग ना जाएँ, क्योंकि 45-50 किलोमीटर हमें फिर से राइड करके घर जाना है, तो अगर भीग जाते हैं रास्ते में और हमारे पास कैमरा और लाइक गोप्रो है, जिसके वजह से अगर गोप्रो तो कोई नहीं बट कैमरा अगर भीग जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से हम सोच रहे थे कि अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे करने के लिए। हाँ बट अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो आपके पास ग्रुप है तो काफ़ी मज़ा आएगा, यहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक इंजॉय कर सकते हो पूरा दिन। बट हम दोपहर में गए थे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था और हमें वापस जाना था, तो जल्दी ही हम वापस आ गए क्योंकि सामने से ऐसा लग रहा है काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है और काफ़ी काले बादल आ रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कभी भी इन रास्तों पे आ रहे हो ना, मानसून में आ रहे हो, तो सेफली ड्राइव और राइड करना, क्योंकि ये भी पूरा पहाड़ी एरिया है, लाइक शिमला और मनाली जैसे हम जाते हैं, और काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी लैंडस्लाइड हुए थे लास्ट ईयर बट अभी उनको रिपेयर कर दिया गया है। बट और ब्लाइंड टर्न्स हैं तो काफ़ी ध्यान से आप गाड़ी चलाना जब भी आप यहाँ पर जाओ। और वाओ, और ये बारिश नहीं थी, हमें नीचे से लग रहा था कि काफ़ी बारिश हो रही है पर ये पूरा मिस्ट जो धुंध होती है वो पूरी थी। और यहाँ पे हम रुक गए थे, मैं ट्राईपॉड नहीं लेके गई थी जिसके वजह से जो है मैंने टाइम लैप्स नहीं लिया, थोड़ा सा लेने की कोशिश करी बट वो इतना स्टेबल नहीं था तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। बट बहुत ही सुंदर है, मतलब डेस्टिनेशन, मैंने वही बोला ना, मंजिल से ज़्यादा सुंदर तो सफ़र है, रास्ते हैं। और जो गांव है ना, मांधना गांव जो आगे आया था, अभी फिर से आएगा, अगर आया तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लोकेशन है और उसके आसपास जो है ना काफ़ी होटल्स और होम स्टे हैं, तो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो तो वहाँ रुक सकते हो। वाह यार, सीरियसली मतलब ऐसे मैंने एक बार और देखा था कसौली में, और उसके बाद मेरा बहुत मन था कि वैसा कभी एक बार फिर से हो तो हम कसौली जाएं, बट कोई नहीं, मोरनी में मिल गया देखने को और बहुत ही सुंदर है मोरनी। जो ये पूरा टेरेन है ना, मतलब ये जो मोरनी हिल्स रास्ता जो है, ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आप अगर बर्ड लवर हो, बर्ड
क्लिक करना चाहते हो, बर्ड्स देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो बर्ड वॉच करने के लिए। और बट यही है कि आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, और अभी काफ़ी ग्रीनरी है, तो हम खुद भी बर्ड वॉचिंग बर्ड क्लिक करते हैं देखते, बट हमें नहीं मिली क्योंकि एक तो हम राइड कर रहे थे कंटिन्यूसली, और दूसरा चीज़ ये है कि काफ़ी ग्रीनरी होने के बाद जो है ना बर्ड्स दिख नहीं रही थी, और अगर बर्ड्स देखना है तो आपके आपको एक पास इतना पेशेंस होना चाहिए और आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। और उसके बाद और सुबह जब हम आ रहे थे तो काफ़ी बादल था, बट अभी जो है ना थोड़ा सा सूरज है और थोड़े से बादल हैं, तो कभी कभी सूरज आ जा रहा है, कभी कभी बादल आ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे। ये देखिए कितना यहाँ पे क्लियर स्काई मिल गया हमको, और ये बहुत ही सुंदर है। और यही है मांधना गाँव, और काफ़ी आपको दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड पर होटल्स एंड ऑल स्टेज आपको काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पर। बट अगेन थोड़ा स्लो राइड एंड ड्राइव करना, केयरफुली जाना, बट बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और एक चीज़ और है कि अगर आप पहाड़ों पे हो घूम रहे हो तो प्लीज़ इनकी ब्यूटी को इंटैक्ट करके रखना, कभी यहाँ पे कूड़ा और वो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आप फिर से घूमने आओगे तो आपको वैसी ही मिलनी चाहिए ब्यूटी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और बहुत ही सुंदर लोकेशन है, मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आप एक बार अगर आप नियर बाय हो तो इस लोकेशन पे फॉर श्योर आ सकते हो। आप इसके सामने आपका शिमला और मनाली भी फेल है, और ये चंडीगढ़ से काफ़ी नज़दीक में है, और वीकेंड्स में भी आ सकते हो क्योंकि काफ़ी रश जो होता है वो कसौली चला जाता है, बट इस साइड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए जो है हम रुक गए थे, क्योंकि यहाँ वाले जो ये पेड़ है ना इसमें हमें कुछ बर्ड्स दिखी थी, तो हम रुक गए बर्ड देखने के लिए, बट पता चला कि वो ट्रिप आई तो हमने काफ़ी देख रखी है। और यहाँ से ये पूरा ओपन एरिया है, तो काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफुल जो है वो व्यू आ रहा था, बर्ड आई व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा था। और जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ये पूरा लेपर्ड एरिया है, और मूवमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स के मूवमेंट है, बट हाँ अगर आप रात या दिन में अगर आप किसी से पूछोगे, इवन न्यूज़ में भी कई बार रहा है कि इन रास्तों पे लेपर्ड्स जो हैं वो देखे गए हैं, तो बी केयरफुल बस, स्पेशली रात के टाइम पे। अभी यहाँ पे ये ब्यूटी काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारी लग रही है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है और आपको अच्छा लगा है, सुंदर लगी है ये जगह, तो मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं जो है ऐसी नियर बाई लोकेशंस जो है ना, हिडन जिम्स जो हैं चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए, वो आपके लिए वीडियोस ले आऊँगी, क्योंकि अगर आप कभी भी चंडीगढ़ या पंचकुला आ रहे हो तो उन सारी लोकेशंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये शाम हो गई है और अब हम जा रहे हैं घर, और इसी के साथ जो है ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।